अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 4 हम पढ़े हैं। हमने जो 12 लेक्चर वो हमारे चैप्टर नंबर 4 के हो चुके हैं। हमारे पास 13 नंबर लेक्चर हमारे पास, वो हमारे पास है कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं। अच्छा, मज़ीद हमने जो पिछला लेक्चर हमने लिया था वहाँ पर हमने एनी कंपाउंड की बात की थी कि हमारे पास एनी कंपाउंड क्या होते हैं। मैंने सिंपली बताया कि वो कंपाउंड जिनके अंदर जो है वो एनिक बॉन्ड पाया जाता है, यानी जो कंपाउंड एनिक बॉन्ड की वजह से बनते हैं वो एनिक कंपाउंड कहलाते हैं। और इस तरह हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड हम कहेंगे हमारे पास वो कंपाउंड जो कि कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से बनते हैं, यानी वो कंपाउंड जिनके अंदर जो कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, उस तरह के हम कंपाउंड को क्या कहेंगे, कोवेलेंट कंपाउंड कहेंगे। आज ज़रा डिस्कस करते हैं कोवेलेंट कंपाउंड को। सबसे पहले हमारे पास बात आ जाती है कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं। हम कहेंगे द कोवेलेंट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स डेट आर फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन देयर एटम्स। पहली बात, जब हमने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा था ना, वहाँ पर हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने कहा था द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम्स। हमने कहा था हमारे पास कंपाउंड जो कि कब बनता है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग के दौरान बनता है। बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम, जब एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं उसके नतीजे में जो हमारे पास बॉन्ड बनता है वो हमने कहा था कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो कोवेलेंट कंपाउंड की हम बात करते हैं तो वही हमारे पास चीज़ आ जाती है कि हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड ऑलमोस्टली उन मॉलिक्यूल से बनता है जो कि क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स की जिन्होंने शेयरिंग की हुई होती है, जिन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की होती है। अच्छा, अभी एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाता है, हमने वहाँ पे हाइड्रोजन के अंदर जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड हमने डिस्कस किया था। अभी भी वही हम कहेंगे, जो हमारे पास हाइड्रोजन है क्योंकि ये डाइटोमिक मॉलिक्यूल है, इसके अंदर जो हमारे पास बॉन्ड पाया जा रहा है वो कोवेलेंट बॉन्ड है, इसी वजह से हम इसे क्या कहेंगे, ये हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड है। मजीद हमारे पास अगर हम CH4 की बात कर लेते हैं, मीथेन है, इसके अंदर भी जो बॉन्ड जो पाया जा रहा है वो भी कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ये भी हमारे पास जो कंपाउंड है ये कौन सा होगा, कोवेलेंट। इसी तरह हमारे पास CO2, ये भी हमारे पास वही चीज़ आ जाती है। काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल है, और भी इसके अलावा हमारे पास क्लोरीन वगैरह हो जाती है, नाइट्रोजन हो जाती है, ये सारी एग्जांपल हमारे पास किसकी हैं, कोवेलेंट कंपाउंड की एग्जाम्पल है। अच्छा, अभी एक्सप्लेनेशन हम बात करते हैं। एक्सप्लेनेशन में एनी कंपाउंड में तो हमने क्वेश्चन बनाया था, लेकिन यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं एक्सप्लेनेशन में। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें बस ये बताना चाहिए कि जो हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड होता है, जो हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड होता है इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जो इसमें फोर्स इन फोर्सेज होती हैं दरमियान अट्रैक्शन की, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, वो वीक होती हैं, वीक देन एनी कंपाउंड। आईसी एनी कंपाउंड के सारे रिप्रेजेंट किया हुआ। सबसे पहले यहाँ पे आप क्या बताओगे, आपने बताना कोवेलेंट जो कंपाउंड होते हैं इनके दरमियान जो फोर्स एग्जिस्ट कर रही होती है वो वीक होती है, किसकी नस्बत, एनी कंपाउंड की नस्बत। रीज़न इसकी भी क्या, रीज़न इसकी ये है क्योंकि ये जो हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड बनता है, हमारे पास जो कोवेलेंट कंपाउंड होता है ये नॉन मेटल्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, यानी जब नॉन मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करती है ना, उनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। यानी जब नॉन मेटल जो है वो रिएक्ट करेगी नॉन मेटल के साथ, तो उनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बन जाएगा, फिर इन दोनों के नतीजे में हमारे पास कौन सा बॉन्ड बनेगा, हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा वो बन जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड, यानी हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो कोवेलेंट कंपाउंड बन जाएगा। इसी वजह से जो नॉन मेटल्स हमारे पास होती है ना, वो उनका साइज बिल्कुल छोटा होता है। जो हमारे पास नॉन मेटल्स होती हैं उनका क्या होता है, जो उनका साइज होता है साइज स्मॉल एंड छोटा साइज होता है, मतलब जिसकी वजह से ऑलमोस्टली जिनके साइज छोटे होते हैं वो ऑलमोस्टली क्या होते हैं, या वो गैसेस होते हैं या वो बिल्कुल लिक्विड होते हैं, या वो क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं, जिनके बॉइलिंग पॉइंट कम बिल्कुल होते हैं। इसी वजह से हमारे पास जो इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो तो हमारे पास हमने कहा कोवेलेंट है और कोवेलेंट कंपाउंड आ जाएगा। इसी रीज़न की वजह से गैसेस और लिक्विड के अंदर जो अट्रैक्शन की फोर्सेस पाई जाती हैं वो वीक होती हैं,
इसी वजह से हम क्या कहेंगे कि जो हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड के अंदर फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं वो आयनिक कंपाउंड की निस्बत क्या होंगी, वीक होंगी। रीजन मैंने बता दी, वीक क्यों होंगी, क्योंकि ये जो आयनिक कंपाउंड, ये जो हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड है, ये तब बनता है जब नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करती है, इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग करती हैं एटम्स आपस में, और जब वो शेयरिंग करते हैं आपस में तो उनके दरमियान जो बॉन्ड होता है वो कोवलेंट बनता है। अब पहली बात, अभी मैंने कहा कि जो हमारे पास नॉन मेटल्स होती है ना, वो क्योंकि उनका साइज होता है वो छोटा होता है, साइज छोटा होने की वजह से, साइज छोटा उन्हीं का होता है जो गैस के मालिक्यूल होते हैं या फिर लिक्विड के मालिक्यूल होते हैं जिनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो कम होते हैं। इसी वजह से गैस के मालिक्यूल के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बहुत ही वीक होती है, क्योंकि गैस के पार्टिकल दूर दूर होते हैं, अट्रैक्शन कम होती है। इसी वजह से ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ता है कि यही जो बॉन्ड होता है जो हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई होती हैं वो क्या होती हैं, वो आयनिक कंपाउंड की निस्बत वीक हो जाती हैं। तो ये हमारे पास चीज़ थी। अच्छा, फिर उसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। सबसे पहले मैं सोलबिलिटी की यहाँ पर बात करता हूँ। जब हमने आयनिक कंपाउंड की सोलबिलिटी पढ़ी थी, आपको पता नहीं याद या नहीं लेकिन मुझे याद, मैंने पढ़ाया हुआ। अब सोलबिलिटी में हमने बात की थी ना, हमने तो सोलबिलिटी में हमने बात की थी, हमने कहा था आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो पानी में हल हो जाते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हल नहीं होते। लेकिन जो हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड होते हैं ये इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में हल नहीं होते, यानी बिल्कुल उल्ट दूसरे के आयनिक कंपाउंड के, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हल हो जाते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के मैं नाम भी लिए थे, मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ईथर हो गए, यानी ईथर है, बेंजीन है, अल्कोहल वगैरह काफ़ी चीज़ें इस तरह की आ जाती हैं, उनमें ये हल हो जाते हैं, पानी में हल नहीं होते। रीज़न इसकी ड्यू टू द कोवलेंट नेचर। अगर वो कोई पूछता है पानी में ये हल क्यों नहीं होते कोवलेंट कंपाउंड, तो आप क्या कहोगे, ड्यू टू कोवलेंट नेचर, क्योंकि जो इनके अंदर करेक्टर होता है वो कोवलेंट वाला होता है, इसी वजह से ये हल पानी में नहीं होते। अच्छा, ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, वो हमारे पास है कंडक्टेंस। हमने आयनिक कंपाउंड में पढ़ा था, हमने कहा था आयनिक कंपाउंड आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस एंड मोल्टन फॉर्म। लेकिन जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इनकी जो कंडक्टेंस होती है, इनकी जो कंडक्टेंस होती है वो हमारे पास क्या होती है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होता है, ये बिजली के अच्छे कंडक्टर नहीं होते ना हरारत के, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से बिजली जो है वो पास नहीं करती, ना हरारत यानी हीट पास करती है, ना इनमें से इलेक्ट्रिसिटी। इसकी भी रीज़न है वो वही आएगी, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड की वजह से ये बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। अच्छा, उसके बाद मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करते हैं। अच्छा, अब आपके जहन में क्या आ जाता है कि भाई कोवलेंट बॉन्ड क्या इसकी रीज़न है, कोवलेंट बॉन्ड में क्या ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। आयनिक कंपाउंड में बात की तो हमने कहा था वहाँ पे आयन्स होते हैं, और मैंने डेफिनेशन पढ़ी थी, फ्लो ऑफ चार्जेस कॉल करंट। आयन्स जब जनरेट होते हैं, जब वो मूव करते हैं तो करंट प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे जब कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं वहाँ पे तो आयन्स होते नहीं है, जब आयन्स नहीं होंगे तो इसका मतलब है करंट फ्लो नहीं करेगा, इसी वजह से हम कहते हैं दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स वगैरह कोवलेंट बॉन्ड में नहीं पाए जाते, इसी वजह से ये बैड कंडक्टर होते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो अभी हमने कहा क्योंकि ये हमने कहा मोस्टली क्या होती हैं, गैसेज होती हैं या लिक्विड ऐसे होते हैं जिनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, यानी गैसेज के दरमियान फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन होती है ना वो बिल्कुल कम होती है, गैसेज के पार्टिकल दूर दूर होते हैं, गैसेज के पार्टिकल फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक इधर 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 इस तरह दूर दूर पार्टिकल होते हैं, जिसकी वजह से उनके दरमियान जो अट्रैक्शन की फोर्सेज होती हैं वो काफ़ी कम होती हैं। लेकिन जब सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड के पार्टिकल तो साथ साथ चिपके होते हैं, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। अब गैस के मालिक्यूल ये देखें वो कितनी कितनी दूर पड़ा हुआ है,
तो इनके दरमियान अट्रैक्शन की फोर्सेज क्या होती हैं, कम होती हैं। तो इसी वजह से अट्रैक्शन की फोर्सेज कम है, हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी तो वो तो टूट जाएंगी। इसी वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हम कहते हैं दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। रीजन फिर वही आ जाएगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, कम होते हैं। अब कोवेलेंट क्रिस्टल की बात करते हैं। अब हमारे पास वो कोवेलेंट कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा होता है, जिनका मॉलिक्यूलर साइज क्या होता है, जिनका ज्यादा होता है, यानी जिनका मॉलिक्यूलर साइज बिगर होता है, वो थ्री डिमेंशनल फॉर्म में होते हैं। वो क्या होते हैं, थ्री डिमेंशनल फॉर्म में होते हैं, थ्री डी यानी थ्री डिमेंशनल फॉर्म में होते हैं। इसी वजह से वो क्या करते हैं, वो अपने क्रिस्टल बना देते हैं, वो कोवेलेंट क्रिस्टल बना देते हैं। और जो कोवेलेंट हमारे पास क्रिस्टल होता है ये स्टेबल होता है, स्टेबल होने की वजह से हार्ड होता है, स्टेबल और हार्ड होता है। इसी वजह से स्टेबल और क्योंकि ये हार्ड होता है तो इस तरह का, अब यहाँ पे जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना, इस तरह का हमारे पास जो एलिमेंट होता है उसके मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पर ऊपर उन्होंने लिखा हुआ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, नीचे निचले पॉइंट उन्होंने लिख दिया हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये समझ नहीं कुछ आई। भाई कोवेलेंट कंपाउंड के ओवरऑल हम बात करते हैं, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, कम होते हैं। लेकिन हमने सिर्फ उन कंपाउंड्स की बात की है यानी जिनका मॉलिक्यूलर साइज ज़्यादा होता है, जिनका मॉलिक्यूलर साइज क्या होता है, जिनका मॉलिक्यूलर साइज ज़्यादा होता है उनके अंदर थ्री डिमेंशनल जो होती है वो पैटर्न होता है, कोवेलेंट क्रिस्टल बन जाती हैं, स्टेबल होते हैं और इस तरह के एलिमेंट हार्ड होते हैं और कंपाउंड हार्ड होते हैं। इस वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। तो ये आपके पास टॉपिक था जो आपने पढ़ा, सबसे पहले आपके पास डेफिनेशन आ जाएगी ये कैसे बनती हैं या कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं। एग्जांपल मजीद आपने एक्सप्लेनेशन में बता देना है कि कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर जो फोर्सेस पाई जाती हैं वो कमज़ोर होती हैं यानी कंपाउंड की निस्बत बता देना। रीज़न आपने कहा क्योंकि ये नॉन मेटल के दरमियान बनते हैं, उनका साइज कम होता है, इसी वजह से वो गैसीय या लिक्विड होते हैं, अट्रैक्शन के दरमियान कम होती है, इसी वजह से कोवेलेंट कंपाउंड के दरमियान अट्रैक्शन जो होती है वो आयनिक कंपाउंड की निस्बत कम होती है। उसके बाद आपने सॉल्युबिलिटी बता देनी है, पानी में हल नहीं होते, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हल हो जाते हैं, कंडक्टेंस ये बैड कंडक्टर होते हैं, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, और इस तरह आपने लास्ट वाला टॉपिक बता देना। तो ये था आपका लेक्चर नंबर जो 13 था। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।